हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। दिल्ली NCR में देश के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण। जी हां, दिल्ली NCR में देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बना। नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने गुरुग्राम के सेक्टर 86 में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाया। इससे पहले जनवरी 2022 में नोएडा सेक्टर 52 में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाया गया। 24 घंटे में 1000 इलेक्ट्रिक कारों को चार्ज करने की क्षमता वाला 75 AC, 25 AC और 21 हाइब्रिड चार्जिंग पॉइंट वाला ये भारत का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन है। क्या यूपी में भी बहाल होगी पुरानी पेंशन स्कीम? सीएम योगी ने दिया ये जवाब। जी हां, उत्तर प्रदेश में चुनाव में जोरों से चल रही पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर एक इंटरव्यू में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार कर्मचारी यूनियनों के संपर्क में है। हम उन्हें भरोसा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में है। उन्होंने कहा कि नई पेंशन स्कीम में जो भी बदलाव किए जा सकेंगे हम वो करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, पूर्वांचल हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। जी हां, यूपी में सातवें चरण के मतदान से पहले यूपी के पूर्वांचल क्षेत्र की राजनीति में हलचल मची है। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पूर्वांचल हमारा था, हमारा है और आगे भी हमारा ही रहेगा। बता दें कि इस चुनावी समर के बीच पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई दिग्गजों का वाराणसी में जमावड़ा लगा है। तो वहीं अखिलेश, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी वाराणसी में चुनाव प्रचार पर उतर गए हैं। मिर्जापुर में पीएम मोदी बोले, आप लोगों के नमक का कर्ज बेटे की तरह चुकाता रहूंगा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गरीब माँ कह रही है कि हमने मोदी का नमक खाया। एक माँ ये शब्द बोलती है, यह मेरे लिए शब्द नहीं आशीर्वाद है। कहा कि जो नमक आपने खिलाया है, जीवन भर एक बेटे की तरह माँ ये नमक का कर्ज चुकाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिर्जापुर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, हमें राज्यपाल चाहिए, भाजपाल नहीं। जी हां, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लेकर कहा कि हमें राज्यपाल चाहिए, भाजपाल नहीं। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही राष्ट्रपति से मिलेंगे और ये मांग करेंगे कि राज्यपाल को उनके पद से हटा दिया जाए। गौरतलब है कि छत्रपति शिवाजी महाराज पर राज्यपाल की कथित टिप्पणी के खिलाफ MVA विधायकों ने विधानसभा में विरोध प्रदर्शन किया था। अशोक गहलोत ने कहा, लगातार बढ़ रही है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राज्य को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। जी हां, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोविड-19 के बाद सामान्य हो रहे हालातों में सरकार की राजस्व प्राप्ति बढ़ी है और राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार भी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हम राजस्थान को बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। बकौल गहलोत, 2018-19 में बीजेपी सरकार ने राजस्व घाटा बढ़ाकर 28,900 करोड़ कर दिया, जिसका असर अब तक राज्य की अर्थव्यवस्था पर है। ओपी राजभर ने कहा, बीजेपी की विदाई तय, 10 मार्च को गाना बजेगा चल सन्यासी मंदिर में। जी हां, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने वाराणसी में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस तो लड़ाई में है ही नहीं, बसपा नोटिस में नहीं और बीजेपी की विदाई होना तय है। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को 10 बजे गाना बजेगा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है और दूसरा गाना बजेगा चल सन्यासी मंदिर में। बता दें कि राजभर ने कहा कि सरकार बनने पर 5 साल तक 300 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियो न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।